नमस्कार दोस्तों, ऑलराउंडर गार्गी में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, आप सबका बहुत प्यार मिला हमको। हमने 10,000 सब्सक्राइबर्स रिसेंटली कंप्लीट किए हैं। ऐसे ही आपका प्यार मिलता रहेगा तो बहुत जल्दी हम 1 लाख भी कंप्लीट कर लेंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ, क्योंकि आने वाले हैं नवरात्रि। तो नवरात्रि स्पेशल वीक रहेगा इस बार, और मैंने आज बनाई है साबूदाने की खिचड़ी। आप देख सकते हैं कितनी खिली हुई खिचड़ी बनी है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये एक एक दाना इसका एकदम खिला हुआ है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है। एकदम खिला हुआ दाना बनाया, आप देख सकते हैं। तो मैं बताने वाली हूँ आज आपको इसकी छोटी छोटी टिप्स, जिससे आप भी बना सकते हैं बिल्कुल सेम खिली हुई खिचड़ी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, साबूदाने की खिचड़ी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए हमें साबूदाने को भिगोना पड़ता है। साबूदाना या सैगो आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। ये मीडियम साइज़ वाला साबूदाना है। और कभी भी जब साबूदाने को हम भिगोते हैं, वो स्टेप सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। हमें बहुत ज़्यादा पानी में लेके उसको नहीं डालना है। हमें जितना भी साबूदाना चाहिए उतना साबूदाना एक प्लेट में लेना है, और उसको पानी में डाल के हल्के हाथ से धो लेना है। धोने के बाद जो मतलब पानी है वो निकाल देना है, और हल्का सा स्प्रिंकल करना है पानी। ये थोड़ा सा डूब जाए, जो उसके दाने हैं वो हल्के से डूब जाए, इतना पानी हमें हल्के हाथ से ऐसे स्प्रिंकल करना है। ओके, और उसको ओवरनाइट ढक के रख देना है दूसरी प्लेट से। तो इससे जो आपको साबूदाना फूलेगा वो एकदम मोती जैसे दाने खिल कर आएंगे। और अगर आप साबूदाना डायरेक्ट पानी में डाल देंगे तो उससे वो सारे दाने जो हैं वो घुल जाएंगे, आपस में चिपक जाएंगे। तो साबूदाने आप बनाते समय, खिचड़ी बनाते समय या इसके वड़े बनाते समय, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है कि हमें साबूदाना कैसे भिगोना है। ओके, अभी देखिए कितना खिला खिला साबूदाना हो रहा है मेरा। ओके, तो मैंने क्या किया, बस पानी को छिड़का है इसके ऊपर, और तब तक छिड़का है जब तक इसके जो छोटे छोटे दाने हैं ना वो भीग नहीं जाते, मतलब थोड़ा सा पानी डाल के छोड़ दिया है। ओके, और फिर उसको ऐसे ढक के रख दिया था रात भर। अब मैं इसको फ्राई करूँगी, तो मैं आपको बताती हूँ उसे कैसे फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए मैंने एक नॉनस्टिक पैन लिया है। ओके, तो नॉनस्टिक कढ़ाई ली है। इसमें मैं घी डालूंगी, क्योंकि हम व्रत के लिए बना रहे हैं तो मैं इसके अंदर कोई भी वेजिटेबल ऐड नहीं कर रही हूँ। अगर आप वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं बनाने के लिए तो आप इसके अंदर वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, लाइक टमाटर, शिमला मिर्च, लेकिन मैं व्रत के लिए जब बनाती हूँ तो उसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड नहीं करती हूँ। साबूदाने की खिचड़ी का जो फ्लेवर होता है वो घी में सबसे अच्छा आता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप घी में ही बनाइए। अदरवाइज आपकी चॉइस है, आप किसी में भी बना सकते हैं इसको। ओके, तो मैंने सबसे पहले इसके अंदर घी डाला। थोड़ी सी हींग, अगर आप मसाले खाते हैं व्रत में तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज जनरली जो लोग होते हैं वो मसाले नहीं यूज़ करते हैं व्रत में, तो मैं भी नहीं यूज़ कर रही हूँ। हींग भी आप स्किप कर सकते हैं। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ कटा हुआ मिर्च और अदरक बारीक कटा हुआ। इसके अंदर बहुत कम मसाले पड़ते हैं जब हम व्रत के लिए बनाते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत टेस्टी बनती है। थोड़ा सा हम इनको फ्राई हो जाने देंगे, और उसके बाद हम अपना साबूदाना इसमें ऐड करेंगे। तो ये फ्राई हो गया है, अब मैं साबूदाना ऐड करूँगी।
व्रत में जनरली नमक, सेंधा नमक यूज़ किया जाता है, और जिसे हम रॉक सॉल्ट, नहीं रॉक सॉल्ट नहीं कहते उसको, सेंधा नमक क्या कहते हैं, व्रत का नमक कहते हैं, ओके, तो वो यूज़ किया जाता है। और मिर्च की जगह काली मिर्च यूज़ की जाती है, तो मैं काली मिर्च, ब्लैक पेपर पाउडर को क्रश करके डाल रही हूँ। इसका फ्लेवर इतना अच्छा आता है कि आपको कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं है। और जब आप सेंधा नमक डालें तो उसको हाथ से तोड़ के डालें, क्योंकि उसके अंदर लम्स होते हैं। तो उसको मैं तोड़ के डाल रही हूँ। नमक स्वाद अनुसार, अभी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पोटैटोस। ये पोटैटोस मैंने डीप फ्राई कर लिए थे, आप इसके अंदर मूंगफली भी ऐड कर सकते हैं। मूंगफली का इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो मैंने मूंगफली को भी फ्राई कर लिया था। आप चाहें तो रोस्ट करके भी डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिलाएंगे। इसके अंदर दो, बिल्कुल दो दाने चीनी के डाल रही हूँ मैं, उससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। बिल्कुल दो दाने, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं इस स्टेप को। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट जाएगा, जो है हमारा कटा हुआ धनिया। धनिए को सबसे पहले मैंने धोया है और धोने के बाद काटा है। कभी भी काटने के बाद ना धोएं, उससे उसकी सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू चली जाती है। प्लस जो धनिया होता है वो ख़राब जल्दी हो जाता है। आप धो के काटेंगे तो आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसमें कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं अगर आप खाते हैं तो व्रत में, ओके। तो ये हमारी साबुदाने की खिचड़ी एकदम तैयार है। इसको 2 मिनट में, मैंने गैस बंद कर दी है, बिल्कुल 2 मिनट ही पकाने की ज़रूरत होती है। और इसको मैं ढक के रख दूँगी। है ना, बहुत ही आसान रेसिपी, ओके। अब हम इसको सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी गर्मा गर्म खिचड़ी एकदम तैयार है सर्व करने के लिए। एक टिप और देना चाहूँगी। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात, आपको साबुदाना कैसे भिगोना है वो ज़रूर ध्यान रखना है। दूसरा, फ्राई करने के बाद उसको पैन में नहीं छोड़ना है, तुरंत सर्व करना है, अदरवाइज़ फिर से लम्स बनने लगेंगे। तो इन शॉर्ट, आपको साबुदाने को बहुत प्यार से हैंडल करना है, जिससे वो एकदम मोती जैसे खिल के बने। तो आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं आज की रेसिपी हमारी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ नवरात्रि स्पेशल में। बाय बाय।